नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, चाहे लेडीज स्वेटर में, चाहे बच्चों के स्वेटर में। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने सिलाई में 17 स्टिचेस डाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, फिर उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और ये जाली देते हुए तीनों को एक कर लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर ही रहेगा और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ऊन दूसरी तरफ रहेगा, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे। उल्टा बुनते हुए फिर उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे। अगले 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। उन दूसरी तरफ है, इसको दूसरी तरफ ही रखे हुए, यानी यहाँ जाली पड़ जा रहा है, दूसरी तरफ रखे रहेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए इन्हें 3 का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। अब उन अपनी तरफ है और लास्ट फंदा है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, यानी कि जाली देते हुए सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये डिज़ाइन का थर्ड लाइन है और सामने से, तो 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे, पहला स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे सीधे। अब उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और अगले 3 फंदे एक साथ लेंगे और जाली देते हुए हम 3 का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। हमने तीनों फंदों को उल्टे में 3 का एक किया है। अब ऊन अपनी ओर है, यहाँ पे 3 फंदे घटे, यहाँ एक जाली बना है, यानी कि 2 फंदे हो गए। और जब यहाँ पे तीसरा जाली देंगे तो हमारा 3 फंदा बैलेंस हो जाएगा। तो ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और अगले 3 फंदे सीधे। अब ऊन दूसरी तरफ है, इसे दूसरी तरफ ही रखे हुए अगले 3 फंदे हम जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। अब उन अपनी ओर है और लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, तो उन्हें सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और अगले 3 फंदे में हमें डिज़ाइन बनाना है, तो उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे। और नेक्स्ट 3 फंदे देखिए, पिछली बार हमने इन 3 फंदों पे डिज़ाइन बनाया था और इस बार इन 3 फंदों पे,
और अब इन जिस पे हमने जाली बनाया था इसे तीनों को सीधा बुन लेंगे। देखिए पिछली बार हमने इन तीन फंदों को सीधा बुना था तो इस लाइन में इन पर जाली डिज़ाइन बनेगा, यानी कि अल्टरनेट डिज़ाइन बन रहा है। एक बार तीन फंदों को लिया और जाली देते हुए तीन का एक किया और अब की नेक्स्ट जो तीन फंदे हैं उनको हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। जाली देते हुए तीन फंदों को सीधा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे तीन फंदे सीधे हैं तो अब की इन तीन फंदों पे डिज़ाइन बनेगा, तो उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और जाली देते हुए तीनों को तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। और लास्ट में चूंकि यहाँ पे हमने तीन का एक किया है तो एक फंदा घट गया है, तो अब इसे बैलेंस करने के लिए लास्ट फंदे के पहले हमें जाली देना होगा। तो जाली देते हुए सीधा, यानी फंदे बैलेंस हो गए और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो डिज़ाइन छह फंदों का है, तो डिज़ाइन एक ही लाइन का है। अगली लाइन में डिज़ाइन तीन फंदा आगे आ जा रहा है और एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाया हुआ है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, एक ही लाइन का डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर पे अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।